और सीधे लिए चलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, किसान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के श्री सुशांत उनियाल जी को आमंत्रित करूंगा जो ढूंगरी मशरूम उगाते हैं। श्री सुशांत जी। सुशांत जी नमस्ते। सर नमस्कार। सुशांत जी, मुझे बताया गया कि दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में आप काम करते थे और ये सब रोड छाड़ करके और फिर पंद्रह में चले गए और खेती करने का विचार आपको आया, ये कैसे हुआ? सर इसका सबसे बड़ा कारण तो एक आप ही रहे हैं। सर आप पिछली बार जब उत्तराखंड आए थे तो आपने कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आते। सर तो सर वो चीज थी कि हम लोग पढ़ इसी माटी से जुड़े हुए हैं, पहाड़ों से जुड़े हुए हैं और हम लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो फिर बाहर शहरों में चले जाते हैं, लेकिन आज जो पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है वो है सर पलायन की। सो पलायन की समस्या थी, लोग धीरे धीरे गांव छोड़ के जा रहे थे तो वही देखते हुए फिर वापस आए कि अगर युवा वापस पहाड़ों की तरफ आएगा तो सब लोग वापस आना शुरू करेंगे। और फिर वो जो पुराने लोगों ने मकान छोड़े हुए थे, खंडर मकान थे, उसपे प्रयोग के तौर पर सर मशरूम फार्मिंग शुरू की और जब पहले साल 30-40 हजार रुपए की आमदनी हो गई तो उससे उसके बाद ये दिमाग में आया कि अब व्यावसायिक तौर पर इसका काम करना चाहिए सर। तो फिर जिला उद्यान अधिकारी जी से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंतर्गत एक स्कीम है MIDH की और दूसरा मशरूम निदेशालय सोलन में जाके आपको एक 10 दिन का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा सर। सो वहां गए, वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद और 28.68 लाख रुपए की सर मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यान विभाग को दी जिसमें से 8 लाख रुपए का अनुदान MIDH स्कीम के द्वारा मुझे दिया गया सर और 18.68 लाख रुपए मुझे बैंक द्वारा ऋण दिया गया सर। अच्छा सुशांत जी, आपको मशरूम पे ही क्यों चुना? सर मशरूम चुनने का सबसे बड़ा कारण ये रहा सर कि एक तो यहाँ पे जो किसानी होती है उसमें थोड़ा बंदर फसल को बर्बाद कर देते हैं, जंगली सूकर होते हैं वो बर्बाद कर देते हैं फसल। ये मशरूम की जो खेती है सर ये पूरी तरह से इंडोर है अब तो इसलिए, और एक और मुख्य जो सबसे बड़ा कारण है सर, ज्यादातर मशरूम की खेती कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में की जाती है, एसी लगाए जाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज है सर 9 महीने तक इसकी जलवायु इसको प्राकृतिक तौर पर इसको सपोर्ट करती है तो ये फैसला इसलिए लिया गया सर। देखिए आपको मालूम होगा हिमाचल में सोलन मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। जी सर, आपने भी अपनी पहचान बनानी चाहिए तो और भी किसान जुड़े हैं क्या इसमें? सर बहुत ये सबसे अच्छी बात रही है सर कि बहुत सारे लोग आते हैं और अभी तक टिहरी के आसपास ही कम से कम 3-4 छोटी छोटी यूनिट बनना शुरू हो गई है सर जिस जिले में मैं हूँ। उसके अलावा हम किसानों के लिए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, बहुत ज्यादा साक्षर किसान नहीं है तो उनको हम एक चीज का अश्योरेंस देते हैं कि आप सिर्फ मशरूम उगाइए, अगर आपको कहीं मार्केटिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो हम आपका प्रोडक्ट मार्केट करके जाएंगे, आप उगा के हमें दे दीजिए, हम आपका मशरूम बेच के आएंगे सर। सुशांत जी आप जो काम कर रहे हैं जिसमें जैसा आपने बताया कि सरकार ने इतना पैसा दिया, बैंक से आपसे पैसा मिला, क्या बाकी किसानों को भी अब ये इसी प्रकार की मदद मिल रही है? जी सर बिल्कुल मिल रही है सर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की MIDH स्कीम जब भी उद्यान अधिकारी गांव में भी आते हैं तो वो भी लोगों को इस प्रकार बताते हैं और सबसे अच्छी चीज ये होता है सर कि जितने भी पुराने, जैसे अब मेरी यूनिट को 2 साल हो गए हैं सर तो हर एक किसान को वहां से मेरा नंबर दे दिया जाता है जिसको अगर कोई प्रशिक्षण भी लेना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी उसके लिए वो सारा का सारा उसको बता दिया जाता है सर हमारे द्वारा। ये आपका स्थान कहां पर है? ये सर टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है सर उत्तराखंड का और उसका एक विकास खंड है चंबा, उससे 7 किलोमीटर आगे सर उत्तरकाशी के लिए एक रोड जाती है जो गंगोत्री जाती है, गंगोत्री धाम, वहीं पे 7 किलोमीटर आगे है सर रोड से 7 किलोमीटर आगे। जी सर। सुशांत जी बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद आप अपने गांव में लौटे और आपने सही पकड़ा। मैं जब भी उत्तराखंड में आया हूँ एक बात बनता रहता था कि उत्तराखंड का है हमारे पहाड़ों का एक प्रॉब्लम रहता है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है और इसलिए हमने उसको उलट करना है। आज आपके माध्यम से वो उलट हो रहा है और पहाड़ की जवानी फिर पहाड़ के काम आ रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वहां पर लोगों को पलायन न करने के लिए आपने
प्रेरित किया है। आप जैसा पढ़ा लिखा युवा जब खेती करता है तो कितना बदलाव आता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि हम गांव और शहर में सुविधाओं के भेद को कम से कम कर सकें। जो युवा अपने गांव में आकर खुद के लिए अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं उनकी हर स्तर पर मदद कर सके। देश भर में ऐसे युवाओं के लिए आप प्रेरणा है। आपको मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत स्थापित परियोजना के लाभार्थी से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। मैं मणिपुर की श्रीमती चिंचा गहलोत से आमंत्रित करूंगा कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के लाभार्थी हैं श्रीमती चिंचा जी। नमस्ते जी। कैन यू टेल अस अबाउट योर फैमिली एंड द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी यू डू? यस सर, मणिपुर फ्रॉम पुलिन विलेज चितमपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर एंड आई एम अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रन। आई कल्टीवेट क्यू पाइनएप्पल इन 6 एकर्स ऑफ माय ओन लैंड। द पाइनएप्पल How do you sell your pineapple? Sir, it's a company, former producer company has signed an agreement with Mira Foods. Mira Foods proprietor who is sitting just next to me. So the proprietor and she is also an entrepreneur, women entrepreneur. And she is also working for the welfare equipment and also for working on processing of organic pineapples. Both pineapples that we supplied to her are processing to slice cubes in cans, pineapple jams, pineapple candy, pineapple squash extract for exports. This increases the demand of our pineapple into the demand of our pineapple, resulting in better prices. And not only that, we also our FPC is also tied up with many other public investors. They set up pineapple at the sectors for which they reserve the profit and limit to the And the board assistance benefit have you got from the government? Sir, the assistance that you get from the government, sir, like MOBCD scheme. Under that MOBCD NPR scheme, we get free planting materials and DBT, direct bank transfer of rupees 7,500 for 2 years to buy organic input. And organic certifications were also issued to the farmers and also from farmer producer companies.